मुझे बचपन से कीड़ा था जो काट रहा था, एक कीड़ा था बचपन से अंदर अंदर काटे जा रहा था, चबाए जा रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। इस कीड़े का नाम था रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार बचपन से, क्या तू आईआईटी क्लियर कर ले, लाइफ सेट है। आईआईटी क्लियर कर ले, राजस्थान से दहेज मिलेगा, लाइफ सेट है। आईआईटी क्लियर कर ले, आईआईटी के बाद तो सेक्स ही सेक्स यार। मतलब मेरे रिश्तेदारों को लगता था आईआईटी क्लियर क्या टोपी उछाली और सेक्स शुरू हो जाएगा। Yeah, this is my sex position. This is what I do. Every time a girl is in my room, she's trying to be like foreplay and shit. I'm like, okay. She's like, why is he duck walking? Oh no, working on my squats. तो 12th में जब मैं आया, मैंने एक बड़ी कमाल की चीज करी। मैंने IIT क्लियर कर लिया। ये मैं स्टेज पे इसीलिए बोलता हूँ कि ऑडियंस में क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश रहे, कि लड़का बेवकूफ नहीं, 5 मिनट बात सुन लेते हैं इसकी, कुछ तो उखाड़ होगा। जब ये किया घर पे सब लोग पागल हो गए, आप इमेजिन कर सकते हो। चाचा चाची मामा मामी नाच रहे गा रहे, फुल बारात टाइप माहौल है। हनुमान जी क्या 15-20 नारियल चढ़ा दिए। हनुमान जी बोल रहे माथुर साहब का IIT है क्या, मटन वटन बनाओ, और ये क्या चल रहा है, दही नहीं दारूला भैंसोद क्या कर रहा है, फुल मेटल कॉन्सर्ट टाइप माहौल है। अंकल लोग टी शर्ट निकाल रहे, आंटी अब ब्लाउज फेंक रहे, एकदम यहाँ पे टैटू करा दिया नीलाक्ष रॉक्स IIT सॉक्स। मैं कहा चाचा उछलो, नहीं 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 मेटल ब्रो। मैं कहा दादी आप तो मत उछलो, नहीं नहीं मेटल ब्रो। अरे आपके घुटने में मेटल है, घर पे अखरोट नहीं टूटता, आप घुटनों के बीच में रखे थोड़ा तब। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन में ट्रेन में उखड़े बैठ जाते हो आप लैपटॉप के ऊपर। मैम यू आर नॉट गेटिंग द जोक, माय ग्रैंड मॉम शी इज वेरी ओल्ड, सो उनके घुटने रिप्लेस हो गए तो मेटल के घुटने। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी दादी को टाटा स्टील ने लीज पे ले रखा 10 साल के लिए। उनको चिल करना होता है तो रॉकिंग चेयर पे बैठती है, रॉकिंग चेयर पे बैठती है, आगे बड़ा सा मैग्नेट ला कैसे आगे। खाली छोड़ दो तो नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है। मैंने IIT क्लियर तो कर लिया था, मुझे था कि रिश्तेदारों से बदला लेना चाहिए, तो मैं ज्वाइन नहीं किया। मैं गांड मराए तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग, सबके सब भाड़ में जाओ। मैं एक स्टेप आगे गया, मैंने एक आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया। मैं कहा दहेज तो क्या कोई अरेंज मैरिज के लिए देखने भी नहीं आएगा मेरे को। मैं उसके एक और स्टेप आगे गया। सी आई कम फ्रॉम अ वेरी हिंदू फैमिली, राइट विंग हिंदू फैमिली, ठीक है। माई ग्रैंड फादर वॉज द चीफ ऑफ RSS इन राजस्थान। और जो सन्नाटा है ना, खौफ का सन्नाटा, ये बचपन है मेरा, ठीक है। क्योंकि बचपन में मेरे सारे दोस्तों के पास बैटमैन, सुपरमैन, एक्शन फिगर्स, हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ हुआ करती थी। मैं कभी धनुष बाण के आगे उतरा ही। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से कच्छे भी ऑरेंज कलर के पहने, आगे लोटस पीछे गदा। और बहुत कट्टर हिंदू पर, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राइट विंग फैमिली, एकदम राइट आइडियोलॉजी वाली। वो लोग स्कूल में मार्च पास्ट भी लंगड़ी कर देते, वो लेफ्ट को ऊपर आने नहीं देते थे। उनका था राइट इज द ओनली वे टू गो, ओनली राइट नो लेफ्ट। फिर मैं क्या किया, मैंने कॉन्वेंट कॉलेज ज्वाइन किया बदला लेने के लिए। मैं मुस्लिम कॉलेज भी ज्वाइन कर सकता था फैमिली से बदला लेने के लिए, बट खून का रिश्ता इतना बदला नहीं लेना चाहिए। तो आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, ठीक है, एंड आई डिड अ कोर्स इन मीडिया स्टडीज। यू गाइस नो व्हाट मीडिया स्टडीज इज, बेसिकली 9th-10th में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते थे ना, ये उसका कंपाइलेशन। ये बच्चे 3 साल तक बस कोलाज ही बनाते रहते हैं, फोटो चिपका मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मीडिया के बच्चों वाले बच्चे होते हैं, पता है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक, कैफीन से भरे हुए, मुंह के रेडबुल निकाल देंगे, देश बदलना है हमको, देश बदलना है, एकदम एक्साइटेड बच्चे। इनको लगता है इसमें घुसेंगे, जीजस की मूंद के नीचे सेक्स करेंगे, लेकिन उस मूंद। और मैं नहीं बोल रहा यूनिवर्सिटी में सेक्स नहीं होता है, होता है, मगर खाली फादर्स के कमरों में, उसके अलावा काफी। आई एम जस्ट शॉक्ड एवरी टाइम पीपल गेट शॉक कि अ फादर डिड समथिंग टू गर्ल। उनका पूरा एस्थेटिक इज वेरी मोलेस्टेशन फ्रेंडली, एक धागा खींचो नंगे हो जाते हैं। मेरा ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड बच्चे होते थे, आई कुड नेवर फिट इन दैट एक्साइटमेंट। आप बहुत बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे यार, और क्योंकि इनको अपना एंथुजियाज्म निकालने का मौका नहीं मिलता था, तो अलग अलग तरीके निकालते थे। आप इमेजिन करो, आप कॉलेज में खड़े हो, अपने जोन में खड़े हो, आपको धरती हिलती हुई महसूस होने लगती है, शरीर के अंदर झनझनाहट होने लग जाती है, आपके आजू बाजू में से बच्चों का झुंड सामने आके नाचने लग जाता है। हम लोग तो फक ये क्या हुआ, मैं जोन आउट हो गया, रिटार्डेड बच्चे, दर्शील सफारी, कौन नाच रहे, क्या है। इन्होंने इसको नाम दे रखा है, इसका नाम है फ्लैश मॉब। नाउ फ्लैश मॉब इज बेसिकली कॉलेज में कुछ अनाउंस करना हो या कोई सोशल इशू उठाना हो तो करते हैं। जैसे स्ट्रीट प्ले ना, मैंने हजम कर लिया है कि लोग काले कुर्ते लाल दुपट्टे पहन के चिल्लाएंगे रे बुरा करप्शन हो रहा है, रे बुरा करप्शन हो रहा है, मगर तुम लोग चिकनी चमेली पे ग्रुप डांस करके नहीं बता सकते कि रे बुरा, ठीक है। उसमें भी चूती होते हैं जिनको बताना कॉलेज बेस्ट है, अच्छा कॉलेज हो ही नहीं सकता, ऑक्सफोर्ड गांड मराई भी लो घर पे, ठीक है।
बेस्ट है, ये लोग क्या करेंगे मोबाइल निकालेंगे, स्नैपचैट खोलेंगे और अनशन कैमरा एंगल पे रिकॉर्ड करेंगे। अनशन कमर दिख रही, गांड दिख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट रिकॉर्डिंग, और उसमें कैप्शंस डाल देंगे, कॉलेज डेज, डांस सीन्स बी लाइक, जस्ट क्राइस्ट थिंग्स, जस्ट क्राइस्ट थिंग्स, नो क्रूसिफिकेशन इज जस्ट क्राइस्ट थिंग्स। कोई बंदा पानी को वाइन में कन्वर्ट करे तो मैं बोले जस्ट क्राइस्ट थिंग, भाई बार बार नहीं होता, देख लो रिकॉर्ड कर लो। आई यूज टू वॉच अ कार्टून एज अ किड कॉल्ड डोरा द एक्सप्लोरर, यू गाइस हैव सीन डोरा द एक्सप्लोरर, सो द अमेरिकन कार्टून जिसमें मैक्सिकन लड़की थी डोरा जो क्वेस्ट पे जाती थी, उस प्रोसेस में लोग बच्चों को सिखाते थे कि कलर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिकन लड़की अमेरिकन बच्चों को सिखा रही है, अब पॉसिबल नहीं है, अब डोरा बस इमिग्रेशन लाइन में खड़ी है, kids are waiting, ठीक है। मैं छोटा सा था, डोरा टीवी पे आ रही थी, डोरा गई हुई थी जंगल में, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे थी चॉकलेट रिवर, लेफ्ट हैंड साइड पे था मॉन्स्टर वर्ल्ड, और वो लड़की छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी आंखें करके पूछ रही हम कहाँ जाएंगे। मैं इंडिया का मासूम बच्चा, मैंने कहा फक डोरा को मदद चाहिए, बोलो डोरा चॉकलेट रिवर जा, चॉकलेट रिवर, फिर भी पूछे जा रही है हम कहाँ जाएंगे। मैं टीवी पे खड़ा रहा हूँ, डोरा चॉकलेट रिवर जा, चॉकलेट रिवर, हम कहाँ, मैं अपना दूध सहमे का डोरा चॉकलेट रिवर जा। एक तो क्या अमेरिका में डिस्लेक्सिक बच्चे पैदा होते, क्या होता है, 15 मिनट तक चलता रहा, हम कहाँ चॉकलेट रिवर, हम कहाँ चॉकलेट रिवर, हम कहाँ चॉकलेट रिवर। 15 मिनट के बाद डोरा का बंदर आता है, उसके बंदर ने अपनी पूंछ कर दी चॉकलेट रिवर की तरफ, तब डोरा बोलती है ओ हमको यहाँ जाना था, भैंड चोद 15 मिनट से मेरा दूध ठंडा हुआ, तुम्हें को बात समझ नहीं आई। और डोरा ऑप्शन भी किसमें दे रही, चॉकलेट रिवर और मॉन्स्टर वर्ल्ड, मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाएगी मॉन्स्टर चबा के खा जाएंगे डोरा को, चॉकलेट रिवर में जाएगी डूब के मर जाएगी डोरा, वो बंदर कोई हनुमान की सेना का बंदर नहीं कि पत्थर ला के नदियां पार करा दे। ये नहीं होने वाला कि डोरा और बंदर मिलके राम राम। और वो बंदर है, मैं इंसान हूँ, डार्विन ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था यार, इवोल्यूशन कुछ होता है कि नहीं होता, नाथे में केला खाता है, मैं पोहा खाता हूँ ब्रो। सी डोरा के ना बॉबकट था, शी हैड अ बॉबकट, यू नो व्हाट अ बॉबकट इज, बेसिकली लड़कियों का टपेली कट। और मुझे बचपन से बॉबकट वाली लड़की से गांठ फट गई कि एरोगेंट होती है, बात नहीं सुनती। मम्मी ने बॉबकट कहा, मैं कहा 3 महीने बाद आना बाल लंबे करके। अभी नहीं, फिर टीवी सीरियल्स में भी दिखा दिया, हमेशा जो वैम्प होती है बॉबकट और बड़ी बिंदी वाली होती है, हिस्ट्री में भी पढ़ा दी इंदिरा गांधी करके कोई थी, मैंने कहो शिट, जोक अबाउट इंदिरा गांधी, बीजेपी पावर में, ठीक है, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, गांड में अंडा, अमित शाह खुद दारू पिलाएगा, क्या जोक मारा यार, व्हाट अ फनी गाय, व्हाट अ फनी गाय। ओके, आई डोंट हैव एन एंडिंग फॉर दिस जोक, इसलिए मुझे इंदिरा गांधी को बीच में लाना पड़ा, क्योंकि वो खाली इमरजेंसी के टाइम काम आते हैं। I was just rolling with the stacks, yeah. Flowers on the shirt, front and back, yeah. Rolling joints and drinking packs, yeah. Then things just got out of hand, yeah. Drunk on the beach, thinking about you. Talking to people I wanted to screw. And I lost my sight of what we had, boo. Binging on glancing in the back.